देशाच्या अनेक भागांमध्ये सूर्य उपासनेचा सर्वात मोठा सण छठ पूजा साजरा केला जातो. आपली संस्कृती श्रद्धा निसर्गाशी किती खोलवर जोडलेली आहे याचा पुरावा म्हणजे सूर्यपूजेची परंपरा आहे. त्यानिमित्त पनवेल परिसरात खांदेश्वर, कळंबोली, तळोजा, पापडीचा पाडा, आदई, वडाळे तलाव, रोडपाली येथील तलावाजवळ छठ पूजेचे आयोजन रविवारी करण्यात आले होते. या पूजेला पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी भेट देत दर्शन घेतले. यावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष विनाश कोळी, जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत, खारघर शहर अध्यक्ष प्रवीण पाटील, माजी नगरसेवक एकनाथ गायकवाड, संतोष शेट्टी, बबन मुकादम, अमर पाटील, अजय बहिरा, नरेश ठाकूर, शिवसेनेचे रामदास शेवाळे, विनय शाह, प्रीतम म्हात्रे, विनोद घरत, गीता चौधरी यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समाजबांधव उपस्थित होते. पिछले एक महीने से इसके लिए जो प्रयास चल रहे थे, आज प्रयास यहाँ पे सफल होते हुए दिख रहे हैं. सुबह से मैं खारघर गया था, खारघर से फिर तलोजा, तलोजा से फिर खांदाकोरणी, निपनवेल, ऐसे करते यहाँ पे आया हूँ. सारी जगह पे हमने पिछले साल से ही पनवेल महानगर पालिका ने इस छठ पूजा का आयोजन अच्छे तरीके से हो, यशस्वी हो, और यहाँ पे छठ पूजा के लिए आने वाले सभी भक्तगण है वो पिछले रात से जो मेहनत करते हैं, जो तकलीफ लेते हैं, और वो तकलीफ है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से उसका उपयोग हो, विनियोग हो, और आप सभी को अच्छी तरीके से यहाँ छठ पूजा करने को मिले, इसके लिए काफी सारे प्रयास ये जो किए गए थे, ये सारे प्रयास यहाँ पे यहाँ पे यशस्वी हो रहे, ऐसा ही मुझे लग रहा है. आपको ये शहर आपका खुद का लगे, इस शहर के माध्यम से आप खुद का विकास कर सके, आपके माध्यम से शहर का विकास हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी होगी, पनवेल महानगर पालिका होगी, हमेशा प्रयास करते रहती है, और इसमें आपके जो सहकार्य हमेशा जो मिलता है, इसके लिए हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम आपका यहाँ पे शुक्रगुजार है, आपका हम यहाँ पे आभार व्यक्त करते हैं, और इसके आगे भी जब जब आपको कोई भी आपको आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको जब चाहिए होंगी, और आपके माध्यम से इस शहर का अगर विकास होने वाला होगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके साथ रहने के लिए हमेशा यहाँ पे हम इंटरेस्टेड रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे. इतने में यहाँ पे कहूंगा, इस पवन पर्व पर आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं. वैसे तो पूरे देशभर में ये त्योहार, देशभर में नहीं पूरे जगभर में, विश्वभर में ये त्योहार सभी जगह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. हमको सभी को मालूम है, कहावत भी है कि उगते सूरज की ओर सभी जगह जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, लेकिन देश के बिहार के कोने से एक ऐसी परंपरा आई है, ऐसी संस्कृति आई है जो ढलते हुए सूरज को भी नमन करते हैं, पूजा करते हैं. तो ऐसी महान परंपरा जो है, ये महान परंपरा हम सभी लोग आगे लेते हुए हमारे अगली जो पीढ़ी है उनके साथ ये सब त्यौहार मनाते हैं. तो आप सभी को अपनी छठी मैया जरूर आशीर्वाद सभी को देती है. आपको सभी को मालूम ही होगा, महाभारत, रामायण, इसी पर्व में भी ये पूजा होती थी. द्रौपदी मैया ने इस पूजा की थी, और द्रौपदी मैया ने पूजा करने के बाद उनका सब साम्राज्य उनको मिला था. तो ऐसे ही हमारे सभी के जीवन में खुशहाली हो, हरियाली हो, और सभी को अच्छे आशीर्वाद देने, ये आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए यहाँ रुकता हूँ.